हाय दोस्तों, तो भाई तुम आई नई वीडियो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो का तक वॉच जरूर कर लेना भाई, क्योंकि मैं बहुत दिन से यूट्यूब पे काम करना फिर से शुरू कर चुका हूँ। मैंने बहुत दिन के लिए यूट्यूब छोड़ दिया था भाई, मुझे लग रहा था मैं यूट्यूब पे काम करते करते ग्रो नहीं कर पाऊंगा भाई, 2-3 साल वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी मुझे बेनिफिट नहीं हुआ यूट्यूब से, तो मैंने यूट्यूब छोड़ने के लिए सोच लिया था भाई। लेकिन मैंने फिर सोचा यार, जब इतनी मेहनत कर ही चुका हूँ तो क्यों ना 1-2 साल और अच्छे से काम कर सकता हूँ, हो सकता है कि इन्हीं 2 सालों में मेरा फिर से अच्छे से चैनल ग्रो हो जाए। ये होता है कि स्टार्टिंग जब हम काम करते हैं तो हमारा 2 या 3 साल मतलब वेस्ट हो जाता, कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन हाँ हो सकता है कि जब हम कामयाब होने की कगार में आ जाते हैं तभी हम उस काम को छोड़कर बंद कर देते हैं, उसको हम नहीं करना चाहते। लेकिन भाई वहीं पर अगर हम वहीं पर और जैसे हमने 3 साल टाइम वेस्ट करके पर बात कर चुका, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन ये आप गलत सोचते हो भाई कि वहां पर आपने जब 3 साल उस फील्ड पे काम किया भाई तो वहां पर पता है आपको क्या बेनिफिट हुआ भाई, आपको नॉलेज हो गए, तरीका हो गया भाई क्या इसमें कैसे काम किया जाता है, इस फील्ड में कैसे काम किया जाता है और हम इस फील्ड में कैसे काम करना है, बहुत सारी आपको नॉलेज हो जाती है, जिसके कारण आप जब आप कामयाब होने के कगार में आ जाते हो भाई, बहुत सारा जैसे कि हमें यहाँ से बहुत 3-4 किलोमीटर जाना होता है भाई, तो वहां पर हम 3-4 किलोमीटर जाना है तो 3 किलोमीटर हम पहुंच गए, इतनी ज्यादा मेहनत करके बहुत कोशिश करने के बाद 3 किलोमीटर पहुंच गए, और जब थोड़ा सा रास्ता बचा इतना पार करने के बाद हमारी मंजिल वहीं पर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम वहीं पर उस रास्ते को छोड़ देते हैं कि भाई अब हम नहीं चल पाते हैं, बहुत सारे थक जाते हैं, हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा भाई, मैं आगे नहीं बढ़ सकता भाई, वहीं पर आप अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। वहीं पर अगर आपने थोड़ा सा मेहनत करते, थोड़े से अपने पैरों के छालों को ना देखा होता, थोड़ा सा और चल जाते आगे तो आप कामयाब हो जाते भाई, और फिर आपको वो खुशी मिल जाती कि आपके पैरों के छाले तो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वहीं पर आप मोटिवेट हो जाते हो और वहां पर उस काम को उस फील्ड में जाना बंद कर देते हो, वहीं से वापस चले जाते हो भाई। तो यहां पर मैं आपको ये समझा रहा हूं, मेरे साथ भाई हो चुका है, जब मैंने स्टार्टिंग में 2-3 साल काम किया तो बहुत अच्छे से काम करता था, इतना अच्छे से ना तो कुछ डर ना तो कोई भी मतलब कि वीडियो बनाने में शूट करने में अच्छे से बोलता था, अच्छी तेजी से बोलता था, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जैसे मेरे कुछ मतलब कि कुछ दिन काम करने के बाद फिर मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि भाई यार मैं क्या करूं, इसमें ग्रो नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझसे नहीं होगा, मैं ये सोचने लगा और धीरे धीरे मैंने काम करना बंद कर दिया। फिर मैं इसी प्रकार 2-3-4 महीने तक हो गए, मेरे यूट्यूब चैनल बना था लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे एक फिर से एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सारा दिन कुछ भी काम नहीं रहता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं इस प्रकार से अगर करूंगा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और लेकिन मैंने यही सोचा कि जब सारा दिन जब तक खाली रहता हूं, कुछ काम नहीं है मेरे पास, तो क्यों ना मैं वीडियो ही शूट कर लूं भाई। तो मैंने फिर से यूट्यूब पे आने के लिए सोच लिया और फिर से ये मेरी फर्स्ट वीडियो है भाई, और उम्मीद करता हूं कि मेरी फर्स्ट वीडियो को आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे भाई। और भाई मैंने बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि एक न्यू यूट्यूबर को नहीं पता होती भाई, तो मैंने 2-3 साल का मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुका है, इतना भी नहीं हो चुका कि मैं आपको मतलब कि रातों रात वायरल करा दूं, लेकिन हाँ भाई धीरे धीरे जैसे मैं अपना चैनल ग्रो कराऊंगा वैसे आपका चैनल भी ग्रो कर दूंगा भाई। और आप लोग अगर ये सोचते हो कि यूट्यूब पे ट्रिक होती है भाई, तो यूट्यूब पे कोई भी ट्रिक लगाने से अपना चैनल या अपनी वीडियो वायरल नहीं कर सकते हो भाई, ये तो आप लिख कर रख लो कि ट्रिक लगाने से ना तो आपका चैनल ग्रो होगा ना तो आपकी वीडियो में व्यू जाएगा भाई। हो सकता है कि किसी का ऐसा भी कोई चैनल होता है भाई उस पे सिर्फ शॉर्ट वीडियो वायरल हो सकती है, और कोई ऐसा चैनल होता है कि उस पे लॉन्ग वीडियो में व्यू जाते हैं, बहुत सारे चैनल होते हैं, मैंने बहुत सारे चैनल बनाए, इतने सारे चैनल बनाए कि आप भी नहीं सोच सकते, यहाँ तक कि मैं भी नहीं सोच सकता, बहुत सारे चैनल बनाए जिसपे हर प्रकार की वीडियो अपलोड किया लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं मिली भाई। और मैंने फिर से सोचा मेरे एक चैनल में बहुत सारे 2-3 चैनल मेरे डेड हो चुके जिसमें 3-4 हजार सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो जाते थे, लेकिन मेरी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेरे चैनल डेड हो जाते थे भाई। तो मैं यहाँ पर अंदर मतलब की कमरे पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है, लेकिन क्या करूं भाई, आप लोगों के लिए इतनी गर्मी तो सहन करनी पड़ती है, वो कहते हैं ना कि अगर आपने जवानी में पसीना नहीं बढ़ाया तो क्या फायदा भाई आपकी जवानी का, तो वही कर रहा हूँ भाई, देख सकते हो आपकी पसीना आपको भी दिख रहा होगा भाई। तो यहाँ पर आपको मोटिवेट होगा यूट्यूब को नहीं छोड़ना भाई, अगर आपने जिस फील्ड को काम करना जिस फील्ड में आपने स्टार्ट कर दिया है, आप उस काम को आपने 2-3 साल अच्छे से किया, मन से किया, तो भाई आपको उसके बारे में नॉलेज तो हो गया, आप वो काम अच्छे से कर सकते हो। इसी प्रकार होता है भाई कि आप किसी भी फील्ड में काम करोगे तो जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो वो आप आसानी से कर सकते हो भाई, यही होता है। और अगर आपने उसको सीखने के बाद छोड़ दिया तो क्या फायदा भाई 3-4 साल टाइम वेस्ट करने का, उस काम में हमें आना ही नहीं चाहिए था, उस फील्ड में हमें आना ही नहीं चाहिए था, जो हमारे बस का नहीं था, जो हम
नहीं कर सकते भाई, लेकिन हम उसी फील्ड में आते हैं भाई जो हमारा दिल कहता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप उस सक्सेस हो पाओगे भाई। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि ये मुझसे हो जाएगा, अगर आप ये सोचने लग गए कुछ दिनों काम करते हो और फिर ये सोचते हो कि ये नहीं हो गया यार मुझसे, बहुत मेहनत करनी पड़ती, इतनी मेहनत मुझसे नहीं हो गया, मैं हार चुका हूँ, अगर आप अपने से हार गए, अंदर से हार गए भाई, तो दुनिया वाले तो आपको हराने में ही लगे हैं। अगर आप खुद ने सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा, तो ये समझ लेना कि आप किसी फील्ड में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और अगर आप दुनिया वाले की बातें सुनोगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया है ना जनाब, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जितना आप ऊपर को जाओ वो सिर्फ आपकी टांग पकड़ के नीचे के झिंकेगी, वो आपको सिर्फ गिराने की सोचेगी, ऊपर को पहुंचाने के लिए नहीं सोचेगी, सिर्फ वो ये सोचेगी ये बंदा किस प्रकार से नीचे गिर जाए, ये सिर्फ ये सोचेगी, और आपको कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहती भाई। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि जो आपको कामयाब होते हुए नहीं देख सकते भाई, तो सिर्फ उन बंदों को, सिर्फ उन लोगों को कामयाब होकर दिखाना है, उनके सामने से इस प्रकार से गुजरना है कि बस हम ही है भाई, जो हमें बुरी नजरों से देखते हैं भाई उनको भी और जलाना है, जो हमसे जलते हैं भाई उनको और जलाना है भाई। तब आता है मजा खेल का, जब आप हमसे कोई जलता है भाई, हम और अच्छे से ग्रो कर जाते, फिर तो और चलेगा ना भाई, फिर क्या मजा है ये तो आप सोच ही नहीं सकते हो भाई। तो आज इस वीडियो में तक बने रहना, ये मैंने आपको बोला था, तो बहुत सारे मेरी वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे भाई, लेकिन आशा करता हूँ कि जो लोग वीडियो में बने रहे हैं भाई उनके लिए भी दिल से धन्यवाद, और जो लोग मेरी वीडियो को छोड़कर चले गए उनके लिए भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि जिन्होंने मेरा थंबनेल लेकर वीडियो को क्लिक किया भाई उनको तो भाई मैं अब क्या कहूँ भाई, छोड़कर चले गए तो चले जाओ भाई, गरीब के लिए आप 5-10 मिनट नहीं दे सकते, तो भाई जिंदगी में क्या दे सकते हो, मैं थोड़ा ना पैसा और कुछ थोड़ा ना मांग लूं भाई, बस 5 मिनट सपोर्ट कर दो भाई, इतना सपोर्ट दे गरीब के लिए बहुत होता है भाई, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, शूट करते हैं, आप सोच सकते हो देख लो पसीना बह रहा है फिर भी वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। तो भाई स्टार्टिंग में बहुत सारी होते हैं कि जब हमारे पास कुछ सेटअप नहीं होता, कुछ कैमरा नहीं होता, बहुत सारी लाइट नहीं होती, तब हम बहुत अच्छे से वीडियो शूट करते हैं, मैं भी खेतों में शूट करता था वीडियो, लेकिन जैसे मेरे पास सब चीज हो गया, मोबाइल हो गया, लाइट हो गई, कैमरा हो गया, स्टैंड हो गया, माइक हो गया, तब मेरे पास वीडियो शूट करने के लिए टाइम ही नहीं बचता था भाई, पता नहीं क्या हो गया था, मैंने कुछ दिन तो बहुत अच्छे से काम करता था, जब मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था, जब मेरे पास वो था, जब उसकी बैटरी बहुत कम चलती थी, बहुत अच्छे से हैंग करता था भाई, जब वो वाला था तो बहुत अच्छे से वीडियो शूट करता था, बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड करता था, बहुत अच्छे से यूट्यूब पे काम करता था, लेकिन जैसे मेरे पास एक न्यू फोन आया जिसपे आप वीडियो शूट देख रहे हो, वीडियो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये फोन आया तो भाई मेरे पास ना टाइम बचे वीडियो शूट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, ना तो कुछ भी नहीं भाई, उसी दिन से मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया था, 10 तारीख से यूट्यूब को छोड़ा था भाई, और आज से फिर यूट्यूब की स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि क्या करूंगा इस प्रकार से भाई, इसलिए ये होता है भाई कि आप लोग ये सोच दो ना कि जब मेरे पास हर सेटअप हो जाएगा तब मैं उस फील्ड में काम करना सोचूंगा, तो भाई आप नहीं कर पाओगे, जितना आपके पास है तब आप काम करो भाई, धीरे धीरे करते रहो, आपके पास वो हर चीज हो जाएगी। मेरे पास भी एक दिन कुछ भी नहीं था, लकड़ी के स्टैंड बनाकर खेतों पर वीडियो शूट किया करता था, लेकिन आज मेरे पास वो हर चीज है जो एक वीडियो शूट करने के लिए होना चाहिए, माइक स्टैंड लाइट कैमरा पर्दा हर एक चीज है भाई, हर एक चीज, लेकिन वीडियो शूट करने का मन नहीं करता, क्यों पता है, ये मैं भी ये सोच रहा था कि मेरे पास जब हर चीज हो जाएगी तब मैं वीडियो शूट करूंगी, तो ऐसा नहीं होता भाई, आप धीरे धीरे काम करते रहोगे, इस फील्ड में काम करते रहोगे तो आपको नॉलेज रहे आएगा, तो आप उस पर जब आपके पास हर धीरे धीरे आपके पास वो चीज हो जाएगी तो भी आप काम करना नहीं छोड़ोगे, ऐसा होता है। तो भाई बहुत सारे बंदे होते हैं कि यूट्यूब को मोटिवेट को छोड़ देते हैं, मेरी तरह छोड़ देते हैं भाई, तो प्लीज हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ कि यूट्यूब को किसी भी हाल में ना छोड़िएगा, अगर आप काम करने में आपका मन लग रहा था शुरू में भाई तो प्लीज मत छोड़िए, क्योंकि सक्सेस आपको उसी फील्ड में मिलेगी जिस पे आपका दिल करता है, कहता है कि नहीं आप कर सकते हो भाई, कर सकते हो, कौन कहता नहीं कर सकते हो, मैं भी कहता हूँ कि आप कर सकते हो भाई, आप दिल से मेहनत तो करो भाई, मेरी तरह मेहनत मत करना भाई, मैंने 2-3 साल मेहनत किया फिर 3-4 महीने के लिए छोड़ दिया, जिसकी वजह से थोड़ा तो मोटिवेट हो गया, थोड़ा तो दिमाग घूम गया भाई, लेकिन अब फिर से मैं उसी मन से उसी लगन से जैसे स्टार्टिंग में काम करता था फिर से काम करूंगा भाई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई थी भाई, तो प्लीज अगर आपने वीडियो अंत तक छोड़ दिया था भाई, अंत तक नहीं देखा था तो प्लीज देख लेना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, बहुत मेहनत से वीडियो शूट कर रहा हूँ, प्लीज भाई ये मेरी फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैनल और बहुत पुराना चैनल नहीं, मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है भाई, ये आपको हर दिन एक टाइम, मतलब कि 8 बजे सुबह के 8 बजे मैं आपको हर दिन सुबह के 8 बजे ना दे पाया, तो शाम के 6 बजे तो हर दिन एक वीडियो आपको ऐसे दूंगा कि आपको काम करने में मन तो जरूर लगेगा, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो फिर नहीं कर रहे हो फिर भी आपका मन, मैं किसी ना किसी फील्ड में आपका मन काम करने में जरूर लगाऊंगा भाई, तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करो, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है भाई, 2-3 साल से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इतनी सारी बातें हर किसी की सुन चुका हूँ कि दिल में पत्थर रख कर आप काम कर रहा हूँ, प्लीज भाई सही से।
दिल में पत्थर रख के अब काम कर रहा हूँ कि ताकि कोई कुछ भी बोले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो आपको बोलना है बोलो, मुझे काम करना है मैं करूंगा और अच्छे से ग्रो भी करूंगा। जब तक आप ऑडियंस का सपोर्ट रहेगा, आप जैसे दोस्तों का सपोर्ट रहेगा, तो मुझे उम्मीद है मुझे हराने कोई भी नहीं सकता, चाहे दुनिया वाली जितना भी जोर लगा ले, जब तक आप मेरे साथ होना तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी हरा नहीं सकता भाई। प्लीज भाई, थैंक यू, धन्यवाद, इसी तरह का प्यार सपोर्ट बनाए रखना भाई। जय हिंद, जय भारत। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, हर दिन आपको एक वीडियो में मिलूंगा भाई। तो चल चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत। और मुझे एक बात कमेंट में जरूर बता देना, आपका अपना प्यारा सा नाम, अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाई हो तो आपको कितने सब्सक्राइबर है, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा भाई, फुल सपोर्ट करूंगा और भी करा दूंगा, आपके सब्सक्राइबर एक दो मेरी तरफ से मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे 3-4 चैनल है, मैं आपको चैनल हर चैनल से सर्च कर लूंगा भाई, हर तरह से आपको सब्सक्राइब कर दूंगा भाई, फुल सपोर्ट मेरी तरह से, हर ऑडियंस को जो भी यूट्यूब पे काम करते हैं फुल सपोर्ट रहेगा भाई, और अच्छे से काम करो, अच्छे से ग्रो करो भाई, सबसे आगे जाओ भाई, प्लीज भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाई। चलो जाते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे कल, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, थैंक।